गाइस सामने ये गड्ढा वगैरह खुदा हुआ है आप देख रहे हैं, और यहाँ पे पिलर के कुछ स्ट्रक्चर है और यहाँ पर भी है। और ये जो आप देख रहे हो ये ग्रीन लाइन की मेट्रो जो कि पीरागढ़ी की साइड में, इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर काम हो रहा है। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पर आया था ना 2 महीने पहले, तो शायद ये नहीं था, इतना याद है नहीं मुझे कि था या नहीं था, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये था। जो पिलर के जो स्ट्रक्चर थे ना कंक्रीट गर्डर्स के साथ, वो बस यहीं तक थे, उसके बाद फिर ऐसा वाला पिलर स्टार्ट हो जाता। और ये बिल्कुल देखो यार, बिल्कुल टच है, बिल्कुल फ्रेंड। मैं हूँ विशाल, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में, और बड़े लंबे समय के बाद मैं वापसी कर रहा हूँ यूट्यूब पर और एक नए अपडेट के साथ। तो गाइस किसी रीज़न की वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए तहे दिल से आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। और लास्ट वीक मैंने एक पोस्ट डाला था कि आपको मतलब नेक्स्ट वीक से आपको रेगुलर वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहेगी, उस पर 85% लोगों ने मुझे उस पर वोटिंग की थी कि हाँ हमें आपकी वीडियो का इंतज़ार है। और जो 15% लोग हैं उनको उन्होंने कहा कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। भाई मुझे भी आप लोगों से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपको मेरी वीडियो से फ़र्क पड़ता है या नहीं, बट उन 85% लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी इस वक्त मैं हूँ पीरागढ़ी में, और यहाँ से मैं आपको अपडेट दूँगा मैजेंटा लाइन फेज़ 4 का, जो कि मधुबन चौक तक का होगा। और तो करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस ये है पीरागढ़ी चौक का नज़ारा, और इसको अगर मैं क्रॉस करके मैं आया हूँ तो यहाँ पर एक नई चीज़ें देखने को मिलती है। ये शायद पहले भी हो बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया हो, तो आप इसको देख सकते हैं। ये देख सकते हो आप पीरागढ़ी के पास का नज़ारा है, ये दोनों साइड है, इस साइड भी है और उस साइड भी है। तो इस चीज़ पे हो सकता है यार लास्ट टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया हो, या ये चीज़ मुझे नहीं देखने को मिलती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे चलते हैं। और गाइस सामने ये गड्ढा वगैरह खुदा हुआ है आप देख रहे हैं, और यहाँ पे पिलर के कुछ स्ट्रक्चर है और यहाँ पर भी है। और ये जो आप देख रहे हो ये ग्रीन लाइन की मेट्रो जो कि पीरागढ़ी की साइड में जा रही है, तो हो सकता है यहाँ पर पीरागढ़ी का मेट्रो स्टेशन बनेगा मैजेंटा लाइन का, जो कि इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन होगा ग्रीन लाइन के साथ। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो शुरुआत में ही बहुत अच्छा हमें अपडेट देखने को मिला है कि यहाँ पर पीरागढ़ी का मेट्रो स्टेशन बनेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग, और आपको समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि इस साइड भी पिलर के स्ट्रक्चर है और इस साइड भी है, तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन ज़रूर बनेगा पीरागढ़ी का। और गाइस आपको बता दूं, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो है यहाँ पर एक बार मैंने एंड करी थी, जब मतलब 2 महीने पहले जब मैंने इसका अपडेट दिया था मधुबन चौक से पीरागढ़ी चौक तक का, तो यहीं पर ही आके मैंने वीडियो को एंड कर दी थी। और उसके बाद अभी मैं आ रहा हूँ पूरे 2 महीने के बाद यहाँ पर आ रहा हूँ, और आप देख सकते हो पिलर के स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर कंक्रीट गर्डर्स के साथ ये पिलर्स हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, बिल्कुल सेम वही है। अब बस देखना ये है कि ये आगे कहाँ तक जाते हैं, तो चलते हैं हम भी इसी के साथ साथ और देखते हैं ये आगे और कहाँ कहाँ तक जाएंगे, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखने में ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर काम हो रहा है मतलब। और बाकी पीरागढ़ी से पीछे जाओगे ना पश्चिम बिहार की तरफ, जनकपुर की तरफ, तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी मतलब मूवमेंट ही नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे यार पूरा मतलब ये पूरा लगभग रेडी है, बस ऊपर ट्रैक और सिग्नलिंग वगैरह का जो काम होगा, जो OHE का जो वायर होगा, बस वो काम, बस ये चीज़ है इधर। और बाकी पीछे पीछे आप देखोगे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं अभी भी आया हूँ तो मुझे वहाँ पर भी कुछ भी ऐसा काम देखने को नहीं मिला जिसका मैं आपको अपडेट दे सकूँ। और यहाँ पर आप देखो काम, खैर कोई बात नहीं, चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है और क्या नहीं। तो गाइस जो पिलर्स था कंक्रीट गर्डर्स के साथ वो बस यहीं तक था, उसके बाद ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने वीडियो में अपनी कई वीडियो में हमने देखा है। और ये इधर है हमारा मंगोलपुरी का रेलवे स्टेशन, तो ये पिलर यहीं तक है। तो सीधा चलते हैं हम मधुबन चौक की तरफ और आगे की तरफ, देखते हैं क्या है और क्या नहीं। आप एक बार जाने से पहले एक बार इसको देख सकते हो, ये कंक्रीट गर्डर्स के साथ जो पिलर है ना वो बस यहीं तक है। इसके बाद हमें जो सेकंड वाला जो फ्लाईओवर स्टार्ट होगा ना, वहाँ से हमें ऐसे कंक्रीट वाले गर्डर्स वाले पिलर हमें देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ।
तो गाइस अभी आ रहा हूँ मैं इस वाले रास्ते से और जाऊँगा मैं बिल्कुल सीधा, सोच रहा हूँ फ्लाईओवर के तरफ से जाऊँ या फिर नीचे से, लेकिन मुझे लगता है नीचे से जाना ही ठीक रहेगा। और सामने सामने मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये कुछ मशीनें वगैरह कुछ लॉन्चर टाइप का दिख रहा है मेरे को, तो उसके पास भी पहुँचते हैं और उसके पास भी देखते हैं कि वो आखिर है क्या। और यहाँ से दिल्ली मेट्रो के जो बैरिकेड है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है और क्या नहीं। वैसे ये है मंगोलपुरी वाला फ्लाईओवर और यहाँ पर एक पिलर देखने को मिलता है, जो मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन के पास जो हमने पिलर के स्ट्रक्चर देखे थे उसके बाद एक ये पिलर हमें देखने को मिलता है और सामने आप देख सकते हैं। तो चलते हैं एक बार सामने की तरफ ही। और गाइस यहाँ पर आप देखेंगे मेट्रो वर्क इन प्रोग्रेस और इसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है ये, इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर काम हो रहा है। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पर आया था ना 2 महीने पहले, तो शायद ये नहीं था, इतना याद है नहीं मुझे कि था या नहीं था, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये था। और इसी के सहारे यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। और वर्कर खैर एक भी नहीं है, सामने हमें ट्रैफिक की जो गाड़ी है वो देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, दिल्ली मेट्रो यहाँ पर बड़ी खूबसूरती तरीके से ट्रैफिक रूल के फॉलो करवाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, और ये एक ख़ास चीज़ देखने को मिली है। सामने आप देखेंगे ऊपर एक बंदा काम कर रहा है, वर्कर ये तो चलो ये चीज़ की खुशी हुई कि यहाँ पर काम हो रहा है और जिससे हमें यहाँ पे ये पिलर देखने को मिल रहे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं काम होता हुआ, ये बड़ी सी जो क्रेन है वो इस लोहे को उठाएगी और सरदार जी हमारे पकड़े हुए हैं उसको, और देख सकते हैं यहाँ पर काम हो रहा है, वर्कर भी है यहाँ पर। तो एक इस बात की खुशी है कि यहाँ पर काम हो रहा है और आगे आपको पिलर के स्ट्रक्चर के पूरे गुच्छों में देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। और गाइस यहाँ पे एक बार इसको आप अंदर से देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और ये भी तो 2 महीने बाद आने का ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर हमें काम देखने को मिल रहा है। सामने लिखा है सावधान, अंदर जाना मना है, खैर कोई बात नहीं, तो आप इसको देख सकते हैं। और तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और कितना काम हुआ, लेकिन आगे आपको पिलर के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो चलते हैं सीधा आगे, ये देख सकते हैं आप गाइस, यहाँ पे पिलर देखने को मिल रहे हैं। पीछे थोड़े बहुत स्ट्रक्चर थे लेकिन यहाँ पे पिलर देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं और आगे की तरफ, ये देख रहे हो गाइस आप, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब हो सकता है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बने। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो मैं उनको एक बार बता देता हूँ, इसकी जो टोटल लेंथ है ना इस मैजेंटा लाइन की फेज 4 में जो बन रहा है, ये जाने वाला है जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम मार्ग तक, जिसकी लेंथ होने वाली है 28.92 किलोमीटर, 21.18 किलोमीटर ये एलिवेटेड होगा और 7.74 किलोमीटर ये अंडरग्राउंड होने वाला है, जिसके अराउंड 22 स्टेशन आएंगे। तो आप देख सकते हैं इसको, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये दिख रहा है यहाँ से। और सोचा तो मैंने था कि इस फ्लाईओवर के ऊपर से जाऊँ, बट कुछ सेफ्टी रीज़न भी ज़रूरी है जिस वजह से मैं इसके नीचे से ही जा रहा हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे और कितना काम हुआ है। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो मैंने 2 महीने पहले आपको दिखाए थे वही सेम है, बिल्कुल पिलर के बिल्कुल सेम है, मतलब यहाँ पे उतना कुछ इफेक्ट नहीं है काम वर्क का, लेकिन बाकी पीछे थोड़ा बहुत हमें काम में चेंजेस देखने को मिला है। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है और क्या नहीं। ये आप देख सकते हैं पिलर के स्ट्रक्चर, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ से मैं और आगे की तरफ जाऊँगा, मधुबन चौक की तरफ, और आपको मैं फिर बता देता हूँ इस लाइन का जो मैं अपडेट है ना वो पीरागढ़ी से मधुबन चौक तक की का ही मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मधुबन चौक से आगे का जो अपडेट है वो फिर कभी मैं आपको
दे दूंगा, फिलहाल तो अभी तो नहीं दे सकता, खैर कोई बात नहीं, चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या है और क्या नहीं। और ये स्ट्रक्चर हमें पहली बार देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर काम है। चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, देखते हैं क्या है और क्या नहीं। और पीछे वही किसी भी कहानी थी, कुछ देर तक स्ट्रक्चर दिखते फिर नहीं दिखते, और यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर बनाने में जो मदद कर रहे हैं, जिसने उसको कवर किया हुआ है, वो यहाँ पे ऐसे फिका हुआ है जिससे इसका कोई माई बाप नहीं है। तो यार ऐसा काम क्यों करते हो यार, भाई काम करो, थोड़ा अच्छे से करो, ताकि यहाँ पर भी हमें स्ट्रक्चर देखने को मिले पिलर के। लेकिन नहीं यार, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, काम फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। और गाइस ये जो नज़ारा है ना, ये पुष्पांजलि इनक्लेव का है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक भी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। पुष्पांजलि इनक्लेव भी पीरागढ़ी के बाद, मंगोलपुरी के बाद पुष्पांजलि इनक्लेव है, जो कि मैजेंटा लाइन का एक स्टेशन बनेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ भी काम नहीं है, हालांकि इससे आगे पिलर के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे होंगे, वो भी कंक्रीट गर्डर्स में। मैं थोड़ा नज़दीक से ले जाके आपको उसको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, और ये यहाँ से कंक्रीट गर्डर्स के साथ पिलर शुरू हो जाते हैं। और यार ये बेचारा इसका मुंह देख रहा है कि यार कब मेरे ऊपर भी ऐसे कंक्रीट के गर्डर्स रखे जाएंगे। तो आप धैर्य रखिए, आप पर भी रखेंगे कंक्रीट गर्डर्स, बस थोड़ा टाइम का वेट करो। और आप यहाँ से देख सकते हो, ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सामने की तरफ बिल्कुल सीधा गया हुआ है स्ट्रेट में। तो हम भी चलते हैं बिल्कुल स्ट्रेट में और देखते हैं ये कहाँ तक गया हुआ है। चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कितना काम है और कितना नहीं। ये देख रहे हो आप, काफ़ी आगे तक गया हुआ है। तो ये चीज़ देखिए यार, खुशी होती है कि हाँ भाई यहाँ पर काम है। पुष्पांजलि इनक्लेव से थोड़ा सा आगे आने पर हमें ऐसा काम देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ देख के खुशी होती है कि यार जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ना, वो काम यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये गाइस ये देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है अपने आप में, और आप देख सकते हो इसको, बहुत ही खूबसूरत है। इस साइड आप देख सकते हो ये पीछे से आ रहा है और बिल्कुल सामने की तरफ जा रहा है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था और इसके बारे में बताया था कि ये जिस लॉन्चर से बन रहा है ना, उस लॉन्चर का इस्तेमाल सबसे पहले दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हुआ था, और उसके बाद अब ये फेज़ 4 में यूज़ हो रहा है, जिसका रिजल्ट में आप देखेंगे ना कि जो दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का जो पिलर है ना, और ये फेज़ 4 में बन रहे हैं जितने भी पिलर हैं, आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी आगे तक ये गया हुआ है, और ये पीछे से बस ये 4-5 पिलर के बाद से ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज़ देख के खुशी होती है कि यार यहाँ पे काम हो रहा है। और लेकिन एक चीज़ और देखोगे यार, ये बिल्कुल ना बिल्कुल बिल्कुल टच है हमारे वो उस वाले फ्लाईओवर के। तो ये चीज़ थोड़ा मतलब अजीब लगती है, वो तो देखो यार उसका तो पूरा मुँह ही घुसा हुआ है उसके अंदर। तो ये चीज़ थोड़ा देख के अजीब लगती है, बाकी आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ऐसी चीज़ देखने में और दिखाने में ना यार मज़ा आता है। तो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और कितना काम है और कितना नहीं। गाइस यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर आपको काम देखने को मिल रहा है। ये पिलर्स बता रहे हैं कि यहाँ पर काम काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है, लेकिन यार यहाँ पे जो काम हुआ है ना, अगर यही काम अगर पीछे हो जाए ना, पीरागढ़ी से पहले, पीरागढ़ी के बाद ये पश्चिम बिहार की तरफ, तो और देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन यार ये भेदभाव क्यों यार, यहाँ पे इतना अच्छा काम है, पीछे बिल्कुल भी काम नहीं है। तो DMRC को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा आगे इस वीडियो में। जो पिलर के जो स्ट्रक्चर थे ना कंक्रीट गर्डर्स के साथ, वो बस यहीं तक थे, उसके बाद फिर ऐसा वाला पिलर स्टार्ट हो जाता। और ये बिल्कुल देखो यार, बिल्कुल टच है, बिल्कुल बिल्कुल टच है, ज़रा सा भी गैप नहीं है, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आगे की तरफ गया हुआ है। तो मैजेंटा लाइन में यही चीज़ हमें देखने को मिलती है, जो बताती है कि मैजेंटा लाइन है, पीछे आपको काम बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर आपको ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये काली माता का मंदिर, जो भी व्यूवर्स अभी इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी काली माता से ये प्रार्थना है कि उनके सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और सारे दुख दर्द जो भी है उनके, वो सारे हर लें। खैर आगे चलते हैं, और ये मंदिर है। तो खैर चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है और कितना काम
हुआ है आगे की तरफ। बस गाइस ये यहीं तक है, उसके बाद एक पिलर वो हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद आगे की तरफ ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो ये चीज़ मैजेंटा लाइन की बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे यार। दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी लाइन है फेज 4 में बनने वाली, ये मैजेंटा लाइन 28 पॉइंट समथिंग इसकी कुछ लेंथ है, और आप देख सकते हो इस लाइन का हाल यार। इससे अच्छी मैं अगर बताऊँ ना, इससे अच्छी है हमारी पिंक लाइन, जो लगभग लगभग उस पर काम कंप्लीट है, और आप इसको देख सकते हैं, बस एक ये पिलर है, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या देखने को मिलता है हमें। सामने गाइस आपको रिंग रोड मॉल देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं है। पीछे आपने देखा जो यहाँ पर पिलर बने हुए थे वो बिल्कुल टच थे इस वाले फ्लाईओवर पे, और आपने ये चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी, जिनके घर है मेट्रो के पास, जहाँ से मेट्रो गुजरती है, उनके घरों में कितनी वाइब्रेशन होती है जब मेट्रो गुजरती है। और यहाँ तो यार पूरा टच था, उधर जो आपने पीछे देखा ना वो तो बिल्कुल पूरा टच था पिलर, तो सोचो जब यहाँ से मेट्रो गुजरेगी तो इस फ्लाईओवर को कितनी वाइब्रेशन मिलेगी। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं आगे की तरफ, बाकी कमेंट करके बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, आपके कमेंट का वेट है, कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार लिख सकते हैं। और गाइस ये है महाराजा अग्रसेन रोड, और यहाँ पर आप देख सकते हो बस कवर करके छोड़ा गया है, मैं एक बार अंदर से दिखा देता हूँ आपको, ये बिल्कुल सपाट मैदान, संडे का दिन है, बच्चे यहाँ पे बड़े आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं। तो अगर आपको भी क्रिकेट खेलने में मतलब क्रिकेट खेलने में अगर आपको मज़ा आता है तो आप यहाँ पर आके खेल सकते हैं, फुल कवर्ड है, आप यहाँ पर क्रिकेट आके खेल सकते हैं, यहाँ पर आपको काम देखने को नहीं मिलेगा। और इसके ठीक आगे भी सेम यही हाल है, बस कवर है और उसके आगे काम नहीं है। खैर कोई बात नहीं, इस फ्लाईओवर के क्रॉस करने के बाद हम सीधा आपसे मिलते हैं। आप देखोगे ये फ्लाईओवर यहीं पे ख़त्म हो रहा है, और ये पिलर जो है दिल्ली मेट्रो के पिलर कह रहा हूँ सॉरी यार बैरिकेड है दिल्ली मेट्रो का, बस इसे कवर कर दिया गया है और बाकी अंदर कुछ भी नहीं है। चलते हैं आगे पीतमपुरा के मेट्रो स्टेशन के नीचे तक, देखते हैं शायद वहाँ पे एक आध पिलर देखने को मिल जाए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाई थी ना 2 महीने पहले, तो वहाँ पे हमें कुछ पिलर देखने को मिले थे। तो चलते हैं आगे की तरफ, और गाइस सामने पीतमपुरा का मेट्रो स्टेशन, नीचे मधुबन चौक। चलते हैं थोड़ा और आगे, क्योंकि मैं उन पिलर्स को देखने के लिए आया था, पिलर के स्ट्रक्चरों को जो मैंने लास्ट टाइम देखा था, ये इसके लिए ही मैं यहाँ तक आया हूँ, वरना मैं उस फ्लाईओवर से ही मैं पीछे वापस घूम जाता। तो यहाँ पे आप देखोगे इन स्ट्रक्चरों को, लास्ट टाइम मैंने जैसा आपको दिखाया था बिल्कुल सेम वही है, कुछ बदलाव नहीं है, यहाँ पे काम नहीं है आप देख सकते हो। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या देखने को मिलता है। ये गाइस ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर का जो आकार विकार है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब हो सकता है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बन जाए एक इंटरचेंज के लिए पीतमपुरा के साथ। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। चलते हैं थोड़ा आगे, एक पिलर का स्ट्रक्चर ये भी रहा, तो ये भी लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया ही था, मतलब यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। और ये है मधुबन चौक, मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा, यहीं पर करूँगा अपनी इस वीडियो को एंड। और ये है पीतमपुरा का मेट्रो स्टेशन। तो गाइस यहाँ पे मैं करता हूँ अपनी वीडियो को एंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। और हाँ फ्रेंड, एक जो मैं अगला जो अपडेट लेकर आऊँगा वो मधुबन चौक से ही लेकर आऊँगा, मधुबन चौक से कौन सा है यार, मजलिस पार्क तक का मैं आपको अपडेट दूंगा अगली वीडियो में। तो यहाँ पर मैं करता हूँ अपनी वीडियो को एंड, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में।